थैंक यू सो मच. मुझे तो ये लग रहा था कि आप कल आएंगी, कहीं बाहर लिखा होना किसी ने कि ओएसटी का. नहीं मैं कल, मतलब मैं ऑफकोर्स आऊँगी. मैं स्त्री जैसी नहीं हूँ जो चली जाती है, पर बहुत अच्छा लग रहा है दिल्ली में आके टू सी ऑल ऑफ यू. क्या आप सबने देखी स्त्री? अरे एकदम फर्स्ट शो. अच्छा एक क्लाइमेक्स रह गया लास्ट में, वो कंटिन्यू होगा ना? नहीं जरूर, वो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाली. अच्छा यानी होगा? बेचारे विक्की को तो बता रही. बिल्कुल नहीं, अभी भी थोड़ा सस्पेंस रखने दो. फिल्म आ रही है बत्ती गुल मीटर चालू, इसमें आपका किरदार कैसा, कैसा करेक्टर है, इसके बारे में बताइए. इसमें स्त्री से बहुत ही अलग कैरेक्टर है और जो किरदार इस फिल्म में मैं निभा रही हूँ उसका नाम है. फिल्म में मैं ललिता नौटियाल उर्फ नौटी, प्यार से उसके फ्रेंड्स उसे नौटी बुलाते हैं, तो उसका किरदार निभा रही हूँ. उत्तराखंड से है वो, और अगर आपने प्रोमोज देखे हैं तो शायद उससे पता लगेगा कि वो काफ़ी मतलब ऑन द फेस है, मतलब बहुत मुँहफट भी है, और उसका मतलब उसे लगता है कि वो उत्तराखंड की सबसे बेस्ट डिज़ाइनर है. उसे लगता है कि वो मनीष मल्होत्रा और रोहित बाल को कंपटीशन देगी, पर वो सिर्फ खुद ही मानती है. ऐसा तो है नहीं एक्चुअली. जैसे वो जिस टाइप की डिज़ाइनर है वो काफ़ी लाउड कपड़े पहनती है, और लेकिन उसके मन में उसे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है. इस फिल्म में तीन दोस्त हैं, त्रिपाठी, एस के और नॉटी. एस के इज़ ऑफकोर्स शाहिद एंड दिव्येंदु इज़ ऑफकोर्स त्रिपाठी. तो तीनों में बहुत गहरी दोस्ती है, और जब त्रिपाठी को प्रॉब्लम फेस करते हैं बिजली के बिल के साथ की, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो, और कैसे वो हैंडल करते हैं उसको, उस पर उनको कैसा असर होता है, तो उनके सपोर्ट में नॉटी कैसी रहती है, तो वो आपको पता चलेगा फिल्म के रिलीज़ के दिन. उत्तराखंड में शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ऐसा लगा कि घर वापस ही नहीं जाऊँ, घर जाना ही नहीं था वापस. और आई थिंक मॉम को ये बात भी, मॉम ने बहुत अंडरस्टैंड भी किया. मॉम ने कहा कि मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि तुम्हें वापस घर क्यों नहीं आना, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है उत्तराखंड, और वहाँ पे नेचर इज़ जस्ट माइंड ब्लोइंग, यू नो. एंड आई थिंक कि जब आप शहर की ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं तो, एंड यू गो टू अ ब्यूटीफुल प्लेस लाइक उत्तराखंड, और वहाँ की सादगी आई थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ उत्तराखंड. तो बहुत आई रियली लव्ड शूटिंग द. ऐसा मन कर रहा था कि यार यहाँ पे मेरा घर क्यों नहीं है. श्रद्धा, इफ योर लास्ट मूवी इज अ बिग सक्सेस, डू यू थिंक इट गिव्स अ एक्स्ट्रा पुश और अ कॉन्फिडेंस टू एन एक्टर गोइंग फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट मूवी, लाइक इन केस अ सीरीज अ बिग हिट, राइट? सो यू आर मोर कॉन्फिडेंट अबाउट बत्ती गुल, ओके I have a big hit now. People will come to see my next movie. Or do you think that people are smart now? They only go for a good content, right? देखिए definitely बहुत अच्छा महसूस होता है जब आपकी फिल्म कामयाब रहती है, लोग उसे देखने जाते हैं, लोग कहते हैं कि बहुत enjoy किया, तो you feel so happy. And you know, उम्मीद तो यही रहती है कि लोग enjoy करें फिल्म को, entertain हो जाए. लेकिन मेरा मानना ये है कि आपकी कोई पिछली सक्सेस या पिछला हिट, आई डोंट थिंक कि वो, आई डोंट नो कि वो कितना अफेक्ट कर सकती हैं टू योर करंट रिलीज़. क्योंकि अगर फिल्म चले, अगर कोई भी फिल्म चलती है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ जो खुद वो एक कनेक्शन बनाती हैं ऑडियंसिस के साथ, मेरा मानना वो है. तो उम्मीद है कि बत्ती गुल मीटर चालू भी लोगों को पसंद आए, एंड आई होप एक्चुअली जो मुद्दा है फिल्म का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात फिल्म की ये है कि बिजली से जुड़े हुए जो भी इश्यूज होते हैं छोटे शहरों में, उसको लेकर हमारी फिल्म बनी हुई है. एंड आई रियली फील कि जैसे श्री सर की पिछली फिल्म टॉयलेट, जिस तरह का इम्पैक्ट रहा है उससे, और बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, तो आई होप कि हमारी फिल्म के साथ भी वैसा ही. Mom, you are playing a pahari girl and वहाँ की girls की skin काफ़ी glowy होती है, just like you. So what is your skin regimen and what are your skin secrets with this flawless skin? Thank you. मतलब आप बिल्कुल पहाड़ ही लग रही हैं अभी सामने बैठे हैं. पहाड़ के लोग इतने खूबसूरत होते हैं, वो ये कहना चाह रही हूँ. थैंक यू सो मच. पर पहली बात तो ये कि थैंक यू फॉर सेइंग ऑल दिस ग्लोई ये वो. मैं क्या करती हूँ,
फॉलो? आई थिंक मैं सबका प्यार अब्सॉर्ब कर लेती हूँ, ऑडियंस का प्यार. आई रियली थिंक दैट बट ये मैंने मजाक में बट इट मीन्स अ लॉट टू मी द लव ऑफ ऑल एवरीबडी हु गोज एंड वॉचेज माई फिल्म. थैंक यू श्रद्धा. इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में टिहरी में हुई, ऋषिकेश में हुई, देहरादून में हुई. कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, कभी शूटिंग के दौरान भी बत्ती गुल हुई वहाँ पर या नहीं? डेफिनेटली टिहरी में तो टिहरी में हुई, देहरादून में भी हुई, पर ऐसा मतलब एक मुझे लगा कि और भी मतलब एकदम शांत हो गया है. और क्योंकि बिकॉज आई केम फ्रॉम बॉम्बे राइट, तो दैट पीस, वो पीसफुलनेस जो होती है वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे. पर उम्मीद है कि वो जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं बत्ती गुल के, दे गेट सॉर्टेड आउट सून. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहिद? वर्किंग विद शाहिद फॉर द सेकंड टाइम वाज रियली रियली गुड. आई थिंक दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री. और इन्होंने लगातार प्रूव किया है कि वो इतने बेहतरीन एक्टर है, इतने अमेजिंग कलाकार है, और इतना मतलब वैरायटी, इतने वैरायटी रोल्स उन्होंने निभाए हैं. एंड हैदर में उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, यू नो, एंड विथ विशाल सर एज वेल. एंड अभी इस बार ये और थोड़ा मतलब मज़ेदार तरीके से हम वापस आ गए हैं, मज़ेदार तरीके से. तो I hope you all like us back together again. मैम आपकी कोई आने वाली इसके बाद कोई मूवी है? इसके बाद मैं शूट करने वाली हूँ साइना के लिए, और मैं शूट कर रही हूँ साहो के लिए. साहो राइट, प्रभास के. यस, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. यस थैंक यू.